हेलो एवरीवन, आज हम स्त्री टू जो नई फिल्म आई है मैडॉक फिल्म्स की, जिसे अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिल्म मैं देख के आया अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी अच्छी फिल्म है। इट्स वेरी नाइस फिल्म। इट्स बेसिकली हॉरर कॉमेडी फिल्म, जो कि 2018 की सुपरहिट फिल्म स्त्री का सेकेंड फ्रेंचाइज है, जिसे जियो स्टूडियोज एंड मैडॉक फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। बेसिकली इफ यू कैन से डैट की दिनेश बिजान और ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है, और फिल्म का निर्देशन जो डायरेक्शन जो है अमिर कौशिक जी ने किया, जो जिन्होंने 2018 में ये अपना स्त्री बनाई थी। और फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म थिएटर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर पीवीआर आइनॉक्स एंड पेन स्टूडियोज ने मिलकर इस फिल्म का वितरण किया है। जैसा कि ये फिल्म आप नाम से पता चला, स्त्री टू और स्त्री टू जिन्होंने देखा हुआ, ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है। बेसिकली स्टार कास्ट के रूप में इसमें मेन किरदार में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, और सपोर्टिंग कास्ट में अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी, पंकज त्रिपाठी साहब हैं। तो और ये फिल्म एक बेसिकली हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इन जो फ्रेंचाइज जो आई है काफ़ी अच्छी फिल्म है। इसमें जो स्टोरी है, जो इस बार की स्टोरी इसमें स्त्री थी, हॉरर दिखाया गया तो कॉमेडी दिखाई, इसमें श्रद्धा कपूर ने रोल प्ले किया था। दूसरे में सरकटे का आतंक, पहले किताब आती थी उससे भी कुछ कहानियाँ ली गई हैं। तो ये और राजन डीके ने भी, जो मशहूर फिल्म मेकर, उन लोगों ने भी कुछ इस तरह की कहानियाँ बनाई थी, लिखी थी, तो उनसे भी इन्होंने पिकअप किया हुआ है। तो ये कहानी बेसिकली सरकटे आतंक, जैसे कि एक हेडलेस गोस्ट है, उसके बदले पे। जैसा कि स्त्री में आपने देखा होगा कि स्त्री में श्रद्धा कपूर जो घोस्ट थी, अननेम्ड घोस्ट थी, वो मर्दों को लेके जाती थी। और इसमें जो दिखाया गया है कि ये जो इसमें जो प्रोटेगनिस्ट है, जो विलन है, जो सरकटा हेडलेस मैन है, वो मैं बेसिकली महिलाओं को एडॉप्ट करता है, लेके चला जाता है एक अननोन जगह पे। और इन वैसी लड़कियों को जो ज़्यादा काफ़ी मॉडर्न ख्यालात की है, जो अच्छा सोचती है, अच्छा करना चाहती है, इसी बेस पे ही कहानी है। कहानी की अगर बात करें तो कहानी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। कहानी में सब किरदार ने अच्छा अच्छा रोल किया। श्रद्धा कपूर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, राज कपूर एज ए कॉमेडियन लवर हुआ है, जो कि विक्की कैरेक्टर का नाम है ये, और जानी जो अभिषेक बनर्जी जो अभी कास्टिंग बे के मालिक भी हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है, वो दोनों, जैसे कि पिछले टाइम उन लोगों ने गांव को स्त्री से बचाया था, इस प्रकार इन लोगों ने दोबारा गांव को, चंदेली गांव जो है उसको बचाने में उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। फिल्म की अगर स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। बस थोड़ा सा इसमें क्लाइमेक्स थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। क्लाइमेक्स थोड़ा थोड़ा अनरिजॉल्व क्लाइमेक्स है कि लास्ट में कैसे क्या होता है। बीच में ये अडॉप्ट होते हैं, फिर इनको स्त्री का सहायता चाहिए होता है, स्त्री आती हैं, फिर जो हेड यो यू नो हेडलेस मैन है, जो प्रोटोगनिस्ट है, उसने इसमें कैसे उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट आता है, वो थोड़ा क्लियरली बताया नहीं गया है। कुछ तरह की कहानियाँ बुनी गई है, और लास्ट में फिर श्रद्धा कपूर की जो स्त्री है उसकी माँ आती है, वो हेल्प करती है। और इसमें दिनेश बिजान ने मैडॉक फिल्म्स के मालिक ने, प्रोड्यूसर ने, और अमर कौशिक डायरेक्टर ने एक अच्छा इन्होंने गेम प्लान करके इस फिल्म को भी, जैसे कि हॉलीवुड में अपना मार्बल का मार्बल वर्स फिल्म है, मेटावर्स फिल्म है उनकी, अपनी मार्बल यूनिवर्स की फिल्म है, उसे जैसे यश राज ने अपने स्पाई यूनिवर्स लाई है, उसी प्रकार रोहित शेट्टी ने अपने कॉप यूनिवर्स लाई है। तो उन्होंने भी एक नया भेड़िया और दोनों क्लैप्स करके इन लोगों ने भी एक नया बनाया है, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, हॉरर यूनिवर्स, ठीक है, जिसमें कि आपका कैमियो में अक्षय कुमार भी है। दिनेश बिजान की जो प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स और डायरेक्टर अमर कौशिक ने इसको स्पाई यूनिवर्स की तरह बनाने की कोशिश की है। और इसमें इन्होंने बीच में और लास्ट में एज ए गेस्ट अपीयरेंस वरुण धवन जो भेड़िया के लीड है उनको इमर्ज किया, और लास्ट में और दिखाया कि वो भी गांव को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए वो भी कूद पड़ते हैं, और जो विलन है, जो हेडलेस मैन है, उसके साथ फाइट करते हैं, और लास्ट में इन लोगों की जीत होती है और गांव से हो जाता है। इस फिल्म में लव स्टोरी देखा जाए तो पिछले बार की तरह ऐसा कुछ खास रोमांस का नहीं है इसमें। इस बार ज़्यादा कॉमेडी और ज़्यादा ये सरकटा लास्ट जो है हॉरर दिखाने की कोशिश की गई है। वीएफएक्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, बट ठीक ठाक है। एक तरह से कह दिया जाए कि फिल्म ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, ये आपकी जो इंडियन, टिपिकल इंडियन फिल्म बनती है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड फिल्म इन 2024। और सबसे इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्या, इस फिल्म में गाने बहुत अच्छे हैं, और म्यूजिक जिसने सचिन जी ने दिया है, और जो गाना विशाल मिश्रा ने और पवन सिंह ने गाया है, तू आई नहीं आई नहीं, ठीक है, तो ये गाना ऑलरेडी सुपरहिट हो चुका है, ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं इसके ये गाने। फिर तमन्ना भाटिया का जो सपोर्टिंग कैरेक्टर भी है, और तमन्ना भाटिया ने इसमें गाना भी, एक आइटम सॉन्ग भी किया हुआ है, आज की रात,
हुस्नी का मजा लीजिए काफ़ी ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है, तो 4-5 गाने ट्रैक है, तो ये भी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है फिल्म का। तो ये फिल्म मैं कहूँगा कि ये फिल्म आपको सबको फैमिली के साथ देखना चाहिए, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, फिल्म की कहानी अच्छी है, कैमरे अच्छे हैं, पर थोड़ा वीक पॉइंट है कि वीएफएक्स थोड़ा सा वीक है और थोड़ी क्लाइमेक्स थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, यू कैन से डैट कि क्लाइमेक्स थोड़ा अनरिजॉल्व है, सही तरीके से क्लाइमेक्स नहीं हो पाया। तो इस फिल्म को मैं 4 स्टार देता हूँ। और बिजनेस की बात किया जाए तो आई थिंक ये आज फर्स्ट डे में ही ये फिल्म 20 से 30 करोड़ के बीच में ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करेगी, और कल के का और भी कल शायद थोड़ा कम हो जाए मे बी, क्योंकि कल ऑलरेडी 3-4 फिल्में रिलीज हो रही है, बॉलीवुड की फिल्म बात किया जॉन अब्राहम और सरवरी वाघ की फिल्म विदा रिलीज हो रही है, और अक्षय कुमार की खेल खेल में रिलीज हो रही है, इसमें तापसी पन्नू भी है, फरदीन खान भी है,